अरे मास्टर, हम कहाँ पहुँच गए? यह किसका घर है? हाँ सर, हम कहाँ पहुँच गए? यह किसका घर है? यह देखकर पता चलेगा। अब सब लोग अदृश्य हो जाओ। अरे यह बुढ़िया यहाँ भी टपक गई। अरे मास्टर, मैंने सोचा तुम लोग कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाओ। जल्दी अदृश्य हो जाओ, मार्गरेट और एन फ्रैंक आ रही है। क्या पापा को एसएस से बुलावा आया है? हाँ मम्मी बता रही है, इसी कारण हम लोग आज ही गुप्त आवास में छुप जाते हैं। मैं जाती हूँ, मुझे पैकिंग करना है, तुम भी अपने कपड़े रख लो। अच्छा मार्गोट, मेरी प्यारी किट्टी, आज हम लोग गुप्त आवास में जाएंगे क्योंकि मार्गोट के लिए नाजी कैंप से बुलावा आया है। जैसा, अरे बिना दांत की बुढ़िया, यह किट्टी कौन है? पोपली बुढ़िया बताना। बेलो, यह अच्छी बात नहीं, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। माफ करना मास्टर, पर यह किट्टी कौन है? किट्टी इनकी गुड़िया का नाम है, उसी को संबोधित कर वह डायरी में अपने मन के भाव लिखती थी। अरे गुप्त आवास में छुप कर रहती थी, वहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था, इस कारण अपने मन के भाव को डायरी में लिखती थी। वस्तुतः इनने डायरी लिखने का कारण अपनी डायरी में ही लिखा है। एक जगह कहती है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। ओ, लगता है मम्मी मिस्टर वांडान अंकल के घर से आ गई। हाँ लगता है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। किट्टी मुझे बहुत डर लग रहा है, यह बुलावा पापा के लिए नहीं आया है वरन मार्गेट के लिए है। चलो कपड़े पैक कर लेती हूँ और कुछ पहन लेती हूँ, पता नहीं वहाँ कितने दिन रहना पड़े। अरे एन, तुम तैयार नहीं हुई? मैं तैयार हूँ। अरे तुम फ्रिज में बैठने जा रही हो क्या, जो इतने सारे कपड़े पहन रही हो? अरे मार्गोट, पता नहीं वहाँ कितने दिन रहना पड़े। हाँ यह तो है किट्टी, यह हमारा गुप्त आवास है, अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आज मैं बहुत थक गई हूँ, पापा के साथ मैंने बहुत काम किया। माँ और मार्गोट पहले ही थक कर सो गए थे। चलो कल मंगलवार की सुबह बहुत काम निपटाना है। ओ, मुझे मिस्टर नहीं महाराजा डिसेल के साथ कमरा शेयर करना है, जो अच्छे खासे चुगलखोर है, उसके अलावा खरदिमाग तुनक मिजाज है, उनके लंबे उबाऊ भाषण सुनना पड़ता है। ओ, लगता है मार्गोट आ गई है। एंटकी युद्ध में शामिल हो रहा है, यह खबर सत्य नहीं है, यह झूठी खबर है। ओ नो, यह अच्छा नहीं हुआ है। उसके अलावा 1000 गिल्ड के नोट भी बंद कर दिया, पर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अच्छा है मार्गोट, सुनो रेडियो पर हिटलर महोदय अस्पताल में सैनिकों से बात कर रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम हेनरिक शापेल है। आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्नालिंग्राद के पास। किस किस्म का घाव है? दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। मार्गोट देखो, घायल सैनिक हिटलर को अपने घाव दिखाते समय कितना गर्व का अनुभव करता है। हाँ, जितना अधिक घाव उतना ही अधिक गर्व। क्या जमाना आ गया है किट्टी, आज शुक्रवार 23 जनवरी 1944 है। यहाँ रहते रहते बोर हो गई हूँ, रोज वही बासी बातें सुनने को मिलती, वह सब बातें जबानी याद हो गई है। यहाँ तक कि हर लतीफे की पंच लाइन सबको याद हो गई थी, पर इधर मुझे राजाओं की वंशावली तालिकाओं में गहरी रुचि हो गई है। इनको जितना ही पढ़ती हूँ उतना ही और अधिक पढ़ने का मन करता है। और जानती हो, मुझे फिल्मी पत्रिकाओं से सभी फिल्मों की कहानी, मुख्य नायक और नायिका के नाम एवं अभिनय सब याद हो गया है। किट्टी केवल तुम मेरी बात को समझती हो, वरना यहाँ तो छोटे बच्चों खास तौर पर मुझे किसी को टोकने की आज़ादी नहीं थी। इन लोगों के लिए राशन कौन लाकर देता था? कुछ डच लोग इन लोगों को राशन लाकर देते थे। हीरा चलो वापस अपने समय में, वापस अगले हफ्ते फिर आएंगे। क्यों? क्योंकि मशीन से टाइम फ्यूल खत्म हो रहा है, अगर पूरी तरह खत्म हो गया तो हमेशा के लिए यही फंस जाओगे। नहीं, मुझे हमेशा यहाँ नहीं रहना है। तो बच्चों अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।